हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? होप यू ऑल वेल एंड हेल्दी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली सब लड़कियों के लिए। आज मैं आप सब लड़कियों के लिए लेके आई हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन, जिसमें बहुत हैवी ज्वेलरी भी है और एवरीडे यूज़ की ज्वेलरी भी है। कुछ ऐसी ज्वेलरी आपको मैं दिखाऊंगी जो स्पेशली हम पार्टीज वगैरह में यूज़ करते हैं। तो मुझे ज्वेलरी कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको अभी थोड़ी देर में शो करवाऊंगी, बट उससे पहले आपने वीडियो को पूरा देखना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आप सबको पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो कैसी लगी। तो चलें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं अपनी ज्वेलरी की पटारी खोल चुकी हूँ और इसमें बहुत ही डिफरेंट कलर्स के आपको इयररिंग्स छोटे बड़े हर साइज़ के नज़र आएंगे। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ इनमें, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस सारी ज्वेलरी को किस तरह से ड्रॉर में मैनेज करके रखा और कैसे मैं अपनी चीज़ें डिफरेंट कलर्स की फिक्स करके तो रखती हूँ ड्रॉर में। तो ये देखिए, मेरी ज़्यादातर ज्वेलरी इंग्लैंड से मैं मंगवाती हूँ। मेरी सिस्टर होती हैं इंग्लैंड में, तो मैं उनको ऑर्डर करती हूँ तो वो मुझे भेज देती हैं। तो बस इसी तरह वो मुझे वहाँ से भेजती हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें, एक ये रहा और ये गोल्डन में। बस इस तरह से बहुत ही डिफरेंट कलर्स के हैं इनमें। ये देखें, ये भी मैंने एक टाइम पे पहने थे। आई थिंक मैंने ये ईस्टर पे यूज़ किए थे। आप मेरी ईस्टर वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो जो मुझे सिल्वर में बहुत ज़्यादा पसंद है वो आप ये देख सकते हैं, और ये बहुत ही पसंद है मुझे। अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया, तो आप मुझे देख सकते हैं। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। मैं भी कभी मैं यूज़ करूं, अभी तो फिलहाल कोई पार्टी कोई फंक्शन नहीं हो रहा हमारी तरफ, लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें बंद हैं। ये रहे मेरे ब्रेसलेट्स जो मैंने इस डिब्बे में रखे हुए, और ये चॉकलेट का डिब्बा है, इसको मैंने एम्प्टी किया तो इसको मैंने यूज़ किया है अपनी ज्वेलरी के लिए। ये डिफरेंट तरह के, ये देखें मेरे पास ब्रेसलेट्स हैं और ये मुझे बहुत ही पसंद है। ये आप देख सकते हैं, इसके अलावा ये डिफरेंट तरह के हैं। तो चलें अभी फ़िलहाल मैं आप सबके सामने ये पहनती हूँ और दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हैं। ये देखें, और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास काफ़ी देर से है और अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी हालत में है। तो इस डिब्बे में मैंने इस तरह से सब ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। ये देखें, ये हैवी ज्वेलरी है मेरे पास जो मैं शादियों वगैरह पे यूज़ करती हूँ। ये मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं माथा पट्टी बनवा के लाई थी वहाँ से, मुझे मैचिंग लहंगे के साथ चाहिए थे। मेरे भाई की शादी थी तो मैंने वहाँ पे यूज़ की थी। पिन्ने भी देखे इसके साथ ही अभी तक फिक्स हैं। सो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सेट है फ्रेंड्स। ये भी मैंने मैचिंग लिया था और ये भी मैंने इंग्लैंड से मंगवाया हुआ है। सो इस तरह से काफ़ी मिक्स ज्वेलरी है मेरे पास। ये मेरी सब हैवी ज्वेलरी है जो आप देख रहे हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सेट है। फिर इसके अलावा मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट सेट है वो ये है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको 3-4 साल हो गए हैं और ये मेरे पास एज इट इज़ सेम हालत में है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ और इसमें बहुत ही ज़्यादा शाइन है। ये डायमंड्स इसके कुछ भी ख़राब नहीं हुए, बहुत अच्छा ये एक पीस है ज्वेलरी में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैं वेट कर रही हूँ कोई और फंक्शन आए तो हम लोग दोबारा यूज़ करें। ये इसके साथ इयररिंग्स,
आई लव दिस गोल्डन ज्वेलरी, ये बहुत ही खूबसूरत सेट है। इसके अलावा ये एक सिल्वर है। तो ये हैं वो हैवी सेट्स जो मैं शादियों वगैरह पे यूज़ करती हूँ। उसके अलावा इसमें भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ। तो बाकी ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास कुछ ऐसे सेट्स हैं जो मैंने अभी मंगवाए थे लेकिन मैंने यूज़ नहीं किए, बिकॉज ये मैंने सेल के लिए मंगवाए हैं। ये आपको मिल जाएंगे, इसमें इयररिंग्स हैं और टीके के साथ हैं ये सब पीस। ये देखें डिफरेंट कलर्स हैं। ये रहा, ये भी बहुत खूबसूरत है और ये अभी मैं सेल के लिए मंगवाए हैं मैंने रिसेंटली। और ये सब इंडियन सेट्स हैं, ये भी बहुत खूबसूरत और हैवी सेट है। लेकिन अभी मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है इसलिए मैं आपको शो नहीं करवा सकती खोल के। तो ये जो पैकिंग में सेट्स हैं ये सब आप देख सकते हैं, ये सेल के लिए हैं। ये गोल्डन है और ये देखें, ये थोड़ा हल्का वाला सेट है बट बहुत ही खूबसूरत है। ये बीच में आप इसका टिक्का देख सकते हैं। तो ये सब हैवी सेट्स हैं। अभी कुछ मैंने और ऑर्डर किए हैं जो मेरी सिस्टर मुझे सून भेज देंगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सिल्वर ज्वेलरी। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रही मेरी सिल्वर कलेक्शन। अगेन माय होप्स, ये भी मुझे बहुत पसंद है, समर में यूज़ करती हूँ मैं अक्सर, बट ज़्यादातर मैं बाली टाइप बड़े बड़े इयररिंग्स वगैरह यूज़ करती हूँ। तो ये सब रहा मेरे समर कलेक्शन और ये काफ़ी देर से हैं मेरे पास तो काफ़ी अच्छी हालत में है अभी तक। उसके अलावा देखें, मैं दिखाती हूँ जो मैंने ज्वेलरी अभी तक यूज़ नहीं की, वो मैंने इस तरह से एक डिब्बे में बना रख दी हुई है। तो इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे कलर्स हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और मैं ज़रूर इस समर में ये यूज़ करने वाली हूँ और आप इसको किसी वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने इसाबेला के लिए लिए थे बट उसने अभी तक यूज़ नहीं किए। तो मैं काफ़ी जगहों पे जब बाज़ार वगैरह हम जाते हैं तो मैं सबसे पहले ज्वेलरी वाले हिस्से में जाती हूँ और कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत ना भी हो तो मैं ज्वेलरी ज़रूर ख़रीदती हूँ। एक ये बहुत अच्छा पीस है मेरे पास, देखें छोटा बड़ा काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। और मैं ज़्यादातर, मेरी कोशिश होती है मैं सिल्वर में कुछ ना कुछ ख़रीदूँ, मुझे सिल्वर ज्वेलरी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दो देखें कितने डिफरेंट बने हुए हैं, अभी तक ये मैंने यूज़ नहीं किए जो कि मैं यूज़ करूँगी समर में। तो ये रही कुछ ज्वेलरी जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ चीज़ें। ये देखें, यहाँ मैंने अपनी डिफरेंट तरह की डिफरेंट साइज़ में रिंग्स रखी हुई हैं और ये मैंने अभी रिसेंटली टॉप्स ख़रीदे हैं, ये मैं आपको फ्रेंड्स दिखाती हूँ। बहुत ही छोटे छोटे से हैं, ये देखें, ये अभी पिछले दिनों मैंने ख़रीदे हैं तो मैं इनको भी यूज़ करूँगी। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे तो मैंने इनको ख़रीद लिया। तो इसमें मैंने ज़्यादातर अपनी एवरीडे यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं। ये कुछ तीन या चार आप नोज़ पिन्स देख सकते हैं, ये मैं स्पेशली समर में यूज़ करती हूँ और कुछ इधर और कुछ आप यहाँ पे मेरी ज्वेलरी देख सकते हैं। सो इसमें मैं एवरीडे यूज़ की चीज़ें हैं, हल्की सी ज्वेलरी जो कि जल्दी में कहीं निकलना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ पायल जो मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर पे मंगवाई थी। ये देखें, बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। और ये भी मैंने सिल्वर में मंगवाई है बिकॉज आई लव सिल्वर ज्वेलरी। उसके अलावा मेरे पास एक और सेट है पायल में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी हैवी वाली है और एक और मैं दिखाती हूँ और ये मैं अब इस समर में यूज़ करूँगी सब अपनी चीज़ें।
मैं लाई थी पाकिस्तान से, बट वो खराब हो गई थी, तो मैंने ये दोबारा अपनी सिस्टर से मंगवाई है। ये देखें, ये मैं यूज करने वाली हूँ समर में, बहुत ही अच्छी है और हल्की सी है। ये देखें, मैंने सब चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर दी हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरी ज्वेलरी मिक्स थी, तो ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं मेरे ड्रॉर की, कि मैंने किस तरह से अपनी चीज़ें मैनेज करके रखी हुई हैं। यहाँ सब ज्वेलरी के सेट्स हैं मैंने रखे हैं एक साइड पे, और ये एवरीडे यूज़ करूँगी मैं ज्वेलरी, ये यहाँ पे रखी हैं। ये कुछ हेयर पिन्स हैं, ये मैंने इस तरह से इस टोकरी में रखी हुई हैं, छोटी सी। ये टोकरी बहुत ही क्यूट सी है। कुछ हेयर रिंग्स हैं यहाँ पे, और ये रही मेरी सब रिंग्स इस ड्रॉर में। तो इस तरह से मैं अपनी ज्वेलरी कैरी करती हूँ डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करके, और इजी भी रहता है। इस तरह से आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होती और आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो विद माय ऑल ज्वेलरी कलेक्शन? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड सी यू अगेन।